सोलह से चौबीस घंटे में 8,392 मरीज बढ़े। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,90,535। अब तक 91,819 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 5,394। संगीतकार वाजिद खान का हुआ कोरोना से निधन। कोरोना की बीमारी के चलते मल्टी ऑर्गन हुआ था फेल। कर्नाटक की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी की उपस्थिति। मोदी ने डॉक्टर पुलिस की सराहना की और कहा कोरोना वॉरियर्स पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। ये सभी इस वक्त कोरोना से फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमा को किया गया सील। पूरे राज्य की सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और पास वालों को छूट। केजरीवाल ने जनता से पूछा कोरोना रहने तक हो सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल में दिल्ली वालों का ही इलाज। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ 9,500 ही बेड हैं। अगर दूसरे राज्यों से आए मरीज तो ये बेड दो ही दिन में भर जाएंगे। पटना के महावीर मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए अनोखा तरीका। नाम के अल्फाबेट के अनुसार होंगे भगवान के दर्शन। यूपी में आज खुल गए सरकारी दफ्तर। अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए कर्मचारी।